हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फिर से एक बार रिलेशन फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। तो आज जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन, उसके ऊपर आज बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं और एक चीज़ भी यहां पर सीखने वाले हैं जो कि है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं ये आज हम सीखेंगे। कुछ बुक के एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर वक्त पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस बार भी आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए वहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन और फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल हम करने वाले हैं इसके बाद आपका कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं जो कि क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन पर पूछा गया है ए एक सेट है जो आर डिफरेंस टू है, इसका मतलब यहाँ पर सभी रियल नंबर है सिवाय किसके अलावा, टू के अलावा बाकी सारे एलिमेंट है। फिर वहां पर बी आर डिफरेंस वन एक्सेप्ट वन, सारे एलिमेंट रियल नंबर के हैं और फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन हुआ है, सेट ए से सेट बी तक डिफाइन हुआ है। और वहां पर क्या पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स गिवेन है हमारा एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, देन एफ इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। फिर पूछा गया है एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है शो कीजिए, और उसके बाद फिर से पूछा गया है ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पर मैंने गलत लिख लिया हूं, देन सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। ठीक, तो हमें पहले एफ को इन्वर्टिबल शो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एफ इनवर्स निकालेंगे। तो हमने आखिरी वीडियो में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया था जिसमें मैंने बोला था कि इन्वर्टिबल अगर आपको पूछा जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, इन्वर्टिबल अगर पूछा जाए तो हमें वहां पर वो फंक्शन को बाइजेक्टिव शो कर लेना है। ठीक, तो चलिए बाइजेक्टिव शो करते हैं, बहुत ही आसानी से हम इसे शो कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हूं, तो आप गिवन दैट लिख लीजिए जो भी गिवन है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये लिखिए वन वन जो मैंने लिखा है। तो पहले गिवन दैट ए जो भी फंक्शन डिफाइन है वो लिख लीजिए पहले, उसके बाद ये जो यहाँ पर लिखा हूं वो आइए और वो लिखिए। तो पहले हम वन वन दिखाते हैं, सो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, आपको पता है एफ ऑफ एक्स वन कितना होगा एक्स वन माइनस वन बाय एक्स वन माइनस टू। सिमिलरली व्हाट इज एफ ऑफ एक्स टू, एक्स टू माइनस वन बाय एक्स टू माइनस टू। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा अलजेब्रा करते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो चलिए कुछ अलजेब्रा करते हैं, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हम इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन आप आसानी से कर पाओगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे ये मिला, उसके बाद मैंने देखा कि दोनों साइड पर एक्स वन एक्स टू है तो उसे मैंने कैंसिल कर लिया, फिर दोनों साइड पर टू है उसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर माइनस टू एक्स वन है, वहां पर देखिए माइनस एक्स वन है, अगर वो उसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर लाएं सो माइनस एक्स वन अगर लेफ्ट साइड से राइट से लेफ्ट आएगा सो माइनस एक्स वन राइट साइड पर वो कौन सा सिंबल हो जाएगा, माइनस बिकम्स प्लस, तो माइनस टू एक्स वन फिर प्लस एक्स वन, नेक्स्ट माइनस टू एक्स टू एंड प्लस एक्स टू, सो हमारे पास क्या मिला माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स वन इज, ये माइनस एक्स टू को उस साइड ले लीजिए तो प्लस एक्स टू। तो अब देखते हैं ये क्या हुआ, सो माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स वन दैट इज माइनस एक्स वन एंड माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स टू दैट इज माइनस एक्स टू, माइनस माइनस कैंसिल, सो हमें मिल गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सो यहाँ से क्या हमें प्रूफ हो गया हमारा एप इज वन वन। ठीक, अब आते हैं ऑन टू को, ऑन टू के लिए आपको क्या चाहिए, पहले रॉप वार करना है। ठीक, तो रॉप वार्क में मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया और वहां से मैं शो क्या मेरा एम क्या रहेगा, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना, तो मैंने वही किया है यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई, देन मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर यहाँ पर एक्स एक्स वाई जो था राइट हैंड साइड पर
उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ले लिया है, एक्स वाई यहाँ पर प्लस था, अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड आए तो ये क्या होगा माइनस एक्स वाई। फिर हम माइनस वन को उस साइड ले लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा वन माइनस टू आई। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स अगर कॉमन लाए तो वो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू आई। सो एक्स हमें मिल गया वन माइनस टू आई बाय वन माइनस वाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है ये हमें क्या शो करना है, वाई बिलोंग्स टू बी के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तभी जाकर वो फंक्शन अनटू हो पाएगा। तो वही हम करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू बी लिया, फिर आपको पता है ये जो एक्स आया है वो ए पर बिलोंग करना चाहिए सभी वाई के लिए, जो वाई कहाँ का एलिमेंट हो बी उसके लिए, जो ये जो आया है हमारा रफ में वन माइनस टू आई बाय वन माइनस वाई वो कहां पर बिलोंग करना चाहिए, सेट ए पर बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो देखिए सेट ए पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए y बिलोंग्स टू b, ये ऑब्वियसली 1 माइनस टू आई बाय 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू a जरूर होगा। आप अगर देखोगे y अगर 1 हो जाए तभी जाकर ये अनडिफाइन होने की चांस है, बट y कभी भी 1 नहीं हो सकता क्योंकि b पर b कौन सा सेट है हमारा R डिफरेंस 1, वही 1 ही B पर है ही नहीं, तो ये अनडिफाइन होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो इसलिए 1 माइनस टू आई बाई 1 माइनस वाई ये हर समय कहां पर बिलोंग करेगा A पर बिलोंग करेगा। अगर आपको कहीं भी एक ट्रिक में बताता हूं, अगर आपको कहीं भी सो दैट लिखा हुआ है आप वहां पर जस्ट आपको इतना एनालिसिस भी करना नहीं है, आप जस्ट लिख लीजिए जो भी आया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए सेट पर बिलोंग कर रहा होगा, आपको उतना एनालिसिस करना नहीं पड़ेगा। हाँ, वन मार्क क्वेश्चन के लिए थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर टेक इसे हम क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, फिर नाउ एफ ऑफ एक्स, एक्स मीन्स एक्स के प्लेस में हम पुट कर देंगे वन माइनस टू आई बाय वन माइनस वाई। हमारा एफ ऑफ एक्स कितना था एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, सो एक्स के प्लेस में हम अब क्या पुट करेंगे 1 माइनस टू आई बाय वन माइनस वाई। तो पुट करते हैं 1 माइनस टू आई बाय वन माइनस वाई, देन दिस माइनस वन, फिर x के प्लेस में मैंने इसे पुट कर लिया। फिर उसके बाद हम LCM ले लेते हैं, LCM लेने से हमें जो मिल रहा है, फिर हम थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आराम से आपको y मिल जाएगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि फिर आप लिख लीजिए नेक्स्ट लिखना चाहते हो तो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, आप लिख लीजिए फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, इसका मतलब हम यहां पर हमें क्या मिल गया एफ इज अनटू, हमें क्या मिल गया एफ इज अनटू। एफ अगर अनटू मिल गया, हमने वन वन प्रूफ किए थे, तो f इज बाइजेक्टिव। अगर f बाइजेक्टिव है तो f कौन सा वाला फंक्शन भी होगा, ये इनवर्टिबल फंक्शन भी होगा। ठीक, तो हमने अभी इतने दूर क्वेश्चन जो पूछा गया था इनवर्टिबल तक तो हमने कर ली, अब हमें एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है hence find f इनवर्स। अब हम क्या करना सीखेंगे f इनवर्स, वन वन ऑन टू तो हमने पहले से भी ये सीखा था, अब हम सीखे कि एप इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो एप इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए एप इनवर्स आप आसानी से निकाल पाओगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही ट्रिक लगाओगे तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं कैसे इनवर्स निकालता हूँ, आपको ट्रिक यहाँ पर बताता हूँ कैसे निकालेंगे। पहले क्या कीजिए, हमने तो इनवर्टिबल शो कर लिया, फिर अब हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं अब, क्योंकि हमने वन वन ऑन टू शो ऑलरेडी शो कर लिया है, तो हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं नाउ लिखकर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, जो भी हमने रॉफ वर्क में किया था, जो स्टेप्स जो भी हमें कैलकुलेशन रॉफ वर्क में किए थे, उसे आपको क्या करना है यहां पर कॉपी कर लेना, और कुछ भी नहीं। आप जो भी है वहां पर जो भी आपने रॉफ वर्क में कैलकुलेशन किए थे उसे फेयर में आप उसे सिर्फ कॉपी कर लीजिए, उससे ही आपका एप इनवर्स निकल जाएगा। देखिए तो मैं अगर उसे इसे
आप यहाँ पर लाकर इसे पूरा जो जो लिखा गया है वो एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद आपको फाइनली क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू पूरा सभी सभी स्टेप्स यहाँ पर लिख लीजिए, मैं स्किप कर रहा हूं, आप खुद ही लिख लीजिए उसे। सो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 - 2y / 1 - y। तो हम क्या करेंगे अब, इसे ये जो हमें x मिला है हम इसे क्या ले लेते हैं, सपोज इसे ले लेते हैं g, लेट g y ले लेते हैं इसे, 1 - 2y / 1 - y। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन था g o f इक्वल टू आई डी एक्स, जो इन्वर्टिबल में लिखे थे हमने, f o g इज इक्वल टू आई डी वाई। अगर ऐसा हो तो f इन्वर्टिबल तो होगा, बट वहां पर जो g होगा वही हमारा f इनवर्स होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम शो करेंगे, निकालेंगे g o f, क्या निकालेंगे, g o f निकालेंगे, वो किसके साथ सेम है दिखाएंगे, आइडेंटिटी ऑफ x, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा हो जाए तो ये g ही हमारा f इनवर्स कहलाएगा, g ही हमारा f इनवर्स कहलाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, g o f निकालेंगे और वो और g o f एंड f o g दोनों निकालेंगे, g o f i d x हो रहा है ये चेक करेंगे, f o g i d y हो रहा है ये चेक करेंगे। तो ये कैसे चेक करें, इसका बहुत ही आसान से ट्रिक है इसे प्रूफ करने का, ये इसके साथ कब सेम होगा, अगर g o f ऑफ कुछ x निकालें तो हमारा फिर क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कब वो सेम होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर यहाँ पर g o f भी, g o f ऑफ x अगर निकालें वो भी x आ रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन के साथ सेम है। ठीक, उस तरीके से अगर f o g ऑफ x निकालें वो भी अगर x निकल रहा है तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ सेम है। तो वहां पर हम कह सकेंगे कि जीओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ सेम है, एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ सेम है। ठीक, तो तब हम वहां पर कह सकेंगे कि जो जी हमने लिया है वो ही हमारा एफ इनवर्स है। ठीक, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो एक्स और वाई लिखा है वो यहाँ पर हम तो इस सेट को पूरा नहीं लिख सकते, तो जब भी प्रूफ करते हैं उसे जनरल वे में प्रूफ करते हैं, ऐसे नहीं कि हमने जो इन्वर्टिबल में पढ़ा था, जो एग्जांपल हमने लिए थे वहां पर एक सेट पूरा लिखे थे, वो थोड़ा छोटा सा सेट था जो कि 1 2 3, और वाई भी सेट जो भी था वो भी एक छोटा सा सेट था 4 5 6, तो इसलिए हमने आसानी से एक्स और वाई लिख लिए, बट हम उस तरीके से आइडेंटिटी ऑफ एक्स एंड आइडेंटिटी ऑफ वाई नहीं शो करते अगर क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम उतना ही शो करेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालने पर एक्स आना चाहिए और एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालने पर फिर से एक्स आना चाहिए। तो दोनों केस में अगर एक्स आए तो दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इक्वल है, इसलिए एक्स आ रहा है। तो ये हम कंक्लूजन वहां से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद हम कह सकते हैं जी हमने जो लिया है वो ही हमारा एफ इनवर्स है। ठीक, तो चलिए अब मैंने जो जो कहा वही हम करते हैं। तो हम पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे और शो करेंगे ये एक्स आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे, जी ओ एफ ऑफ एक्स, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, यहां पर हमारा एफ एक्स क्या है, व्हाट इज आवर एफ एक्स, दैट इज आवर एफ एक्स। सो जी ऑफ क्या लिखेंगे, x - 1 / x - 2। अभी आते हैं आगे, फिर g ऑफ ये निकालेंगे, तो आपको पता है ये कैसे निकालेंगे, g ऑफ y लिखा है, y के प्लेस में ये है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर लेंगे, x - 1 / x - 2। तो चलिए पुट करते हैं क्या मिलता है देखते हैं, 1 - 2 × x - 1 / x - 2 / 1 - x - 1 / x - 2। हमें चाहिए क्या, जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, तभी जाकर ये आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इक्वल हो पाएगा। तो चलिए फिर थोड़ा अलजेब्रा करते हैं यहाँ पर, थोड़ा एलसीएम लेके, तो एलसीएम ले लीजिए, आप खुद ही करके देखिए आ रहा है कि नहीं एक्स, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर, तो मैं
एलसीएम अगर लूं दोनों ही x माइनस टू आएगा, तो मैंने x, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट लिखता हूं x माइनस टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा x माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन, फिर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x माइनस टू माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, अब देखिए नीचे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल एंड माइनस टू प्लस टू कैंसिल, नाउ ऊपर में हमें क्या मिला x माइनस टू एक्स दैट इज माइनस एक्स, फिर नीचे क्या मिल रहा है माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, अब माइनस माइनस कैंसिल सो हमें क्या मिल गया हमारा x, तो हमने जीओ एफ ऑफ x निकाला, वो क्या मिला x निकाला, मैं वही तो बोल रहा था जीओ एफ ऑफ x निकाले पर x मिलना चाहिए। फिर उसी तरीके से अगर एफ ओ जी ऑफ x निकाले तो इसे हम फिर लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स फिर आइए एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स हमारा क्या है जी एक्स, एक्स लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ वाई एक्स पुट कर लेते हैं वन माइनस टू एक्स बाय वन माइनस एक्स। ठीक, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पर ये है तो यहां पर एक्स के प्लेस पर इसे रख लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें वन माइनस टू एक्स बाय वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस टू एक्स बाय वन माइनस एक्स माइनस टू। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं क्या मिलता है देखते हैं, वन माइनस टू एक्स इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, फिर इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे एलसीएम लेकर तो ये भी मिलेगा हमें वन माइनस टू एक्स माइनस वन, नॉट माइनस वन दिस इज माइनस टू, और फिर हमें मिलेगा प्लस टू एक्स। ठीक, तो फिर ऊपर देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसल एंड माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसल, सो ऊपर मिला हमें माइनस एक्स और नीचे मिला माइनस वन, फिर ये भी मिल गया हमारा एक्स। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर मैंने जीओ एफ ऑफ एक्स निकाला वो भी एक्स मिला, और एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाला वो भी एक्स मिला, मतलब ये जो जी हमने लिया था वही हमारा एफ इनवर्स है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड एफ इनवर्स। तो मैं यहां पर कह सकता हूं एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, और आप हैंस करके ऐसे लिख लीजिए हैंस एफ इनवर्स इज जी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इससे जो जी वाई लिखा है वाई के प्लेस में एक्स लिख लीजिए क्योंकि ये एफ इनवर्स एक्स जी इनवर्स जी अब एक्स के साथ इक्वल होगा, एफ इनवर्स जी के साथ सेम है, एफ इनवर्स अगर एक्स में लिखना चाहूं तो वो किसके साथ सेम होगा जी अब एक्स के साथ, तो ऑब्वियसली हम यहां पर वाई के प्लेस में एक्स पुट कर लेंगे तो क्या मिलेगा वन माइनस टू एक्स बाय वन माइनस एक्स। ठीक, यही हमारा एफ इनवर्स है। फिर मैं आपको एक और भी एक्स्ट्रा चीज जो बोल रहा हूं आप ये भी करके देख सकते हैं कि जो हमारा इनवर्स निकला है वो सही है कि नहीं है, अगर आपका कहीं भी अगर कैलकुलेशन में ऐसे एक्स नहीं आया तो आप अपना जो भी जी आपने यहाँ पर निकाला है वो ठीक है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो देखिए कैसे चेक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए हमने जो हमारा तो जी ठीक है क्यों ठीक है इसलिए ही हमें एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाला तो एक्स निकला, फिर जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाला तो वही भी एक्स निकला। ठीक, अगर गलत होता तो एक्स नहीं निकलेगा। ठीक, तो आपको कैसे पता लगाना है कि आपका जी आपने जो लिए है वो ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए कैसे हम इसे करेंगे। यहाँ पर देखिए एरो डायग्राम ले लेते हैं, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, आप ए सेट से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए जैसे कि हो गया हमारा जैसे कि हो गया जीरो सपोज। ठीक, अगर जीरो ले तो जीरो यहाँ पर जीरो पुट कीजिए तो आंसर आएगा क्या वन बाय टू, तो जीरो किसके किसके साथ मैप होगा वन बाय टू के साथ, तो इनवर्स में यहां पर तो आपको यह पता लग रहा होगा कि एफ में जीरो हाफ एक ऑर्डर पेयर होगा, हाँ कि नहीं, बट इनवर्स में क्या होगा हाफ जीरो होना चाहिए, इनवर्स में हाफ जीरो होना चाहिए, जो फंक्शन वहां पर जीरो पुट किए तो हाफ मिला, बट हमारा इनवर्स फंक्शन में क्या होना चाहिए अगर वहां पर हाफ पुट
करें तो आंसर हमें जीरो मिलना चाहिए, तभी जाकर हमारे जो इनवर्स फंक्शन है वो ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा इनवर्स फंक्शन ठीक है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एप इनवर्स ऑफ हाफ फाइंड करेंगे। अगर एप इनवर्स ऑफ हाफ फाइंड करने पर जीरो मिला तो हम कह सकेंगे कि जो भी हमने फंक्शन लिया है वो एक वो फंक्शन ठीक है, इनवर्स सही निकला है। अगर नहीं निकला तो हम वहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमने जो जी यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो रो पार जो कॉपी किए थे वहां पर वही कहीं कैलकुलेशन में गलत हो गया है, फिर हमें हम और एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, एप इनवर्स हाफ निकालते हैं। देखिए एप इनवर्स हाफ एक्स के प्लेस पर हाफ पुट कर दीजिए, वन माइनस टू इंटू हाफ डिवाइडेड बाय वन माइनस हाफ, तो टू टू कैंसिल, वन माइनस वन जीरो, नीचे आएगा हाफ, सो आंसर आएगा जीरो। तो देखा ना आपने, एप इनवर्स आप निकाला हाफ निकाला तो वो हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो इसका मतलब ये इनवर्स जो हमने निकाला है वो सही है, क्योंकि जीरो एप पर जीरो हाफ के साथ मैप हो रहा था और एप इनवर्स पे हाफ जीरो के साथ मैप होगा। तो हमने जो भी एप इनवर्स निकाला है वो ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल टू देखते हैं। टू पर हमें पूछा गया है, कंसिडर ए फंक्शन एफ जो आर डिफरेंस फोर बाय माइनस फोर बाय थ्री से आर डिफरेंस फोर बाय थ्री तक डिफाइन हुआ है, और वो कैसे डिफाइन हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री बाय थ्री एक्स प्लस फोर। फिर पूछा गया है, सो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। एफ को पहले हमें इनवर्टिबल शो करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर देखिए और भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है फाइंड एफ इनवर्स जीरो, एंड फिर पूछा गया है फाइंड एक्स सच दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये 2017 का एक क्वेश्चन है, 2017 में आया था ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले हम इनवर्टिबल शो करेंगे, तो इनवर्टिबल के लिए क्या करेंगे, फिर वही बात वन वन एंड ऑन टू शो करेंगे। ठीक, तो चलिए वन वन ऑन टू शो कर लेते हैं जल्दी से। सो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, आपको पता है एफ ऑफ एक्स वन क्या है, एफ ऑफ एक्स टू कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आप ये आसानी से निकाल पाओगे, एफ इज वन वन आप सभी लोग शो कर पाओगे आराम से। तो चलिए फिर इसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, फिर वही सेम बात, फिर उस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद फिर एक्स वन को एक साइड रख लीजिए, एक्स टू टर्म्स को एक साइड रख लीजिए। तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ा हम अगर करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा। आप खुद ही कीजिए, आप यहाँ से कॉपी मत करके आप खुद ही कीजिए, आप भी आसानी से कर पाओगे। तो चलिए फिर ऑन टू को जल्दी से आते हैं। ऑन टू के लिए फिर हमें रो पार जाना पड़ेगा, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेंगे, फिर वहां क्या करेंगे, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने वही यहाँ पर किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो स्टेप आप खुद ही कर सकते हो, तो आप देख भी सकते हो यहाँ से मैंने एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे निकाला है। ठीक, तो चलते हैं ऑन टू के प्रूफ पर। ऑन टू वाई बिलोंग्स टू, फिर वही y बिलोंग्स टू ये होगा, फिर उसके लिए x ढूंढना पड़ेगा जो इस सेट में हो, सो y बिलोंग्स टू दिस, और जो भी आया है उसे हम कहां पर बिलोंग लिख लेना है, जो हमारा x सेट है ये y और ये x, तो उसे डायरेक्टली बिलोंग्स टू लिख लेना है, क्योंकि ये इनवर्टिबल है, जस्ट इसे हम शो करना चाहते हैं इनवर्टिबल है। ठीक, तो आपको ज्यादा एनालिसिस करना नहीं है, जो भी x आया है उसे आप वही जो x सेट ये y और ये x सेट वहां पर बिलोंग कर रहा है ये आपको लिख लेना है विदाउट एनी एनालिसिस। ठीक, तो चलिए फिर उसे क्या ले लेते हैं, हम एक्स ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई शो करते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स के प्लेस में इसे पुट करूंगा, तो फिर कैलकुलेशन कर लीजिए आप, फिर मैंने कैलकुलेशन छोड़ दिया है क्योंकि हम ये बहुत बार कर चुके हैं। ठीक, तो आप खुद ही करिए, उसके आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसे एलजेब्रा लगाकर तो आप आसानी से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पा पाएंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर डिफरेंस फोर बाय थ्री
there exists x belongs to r difference minus 4 by 3 such that f of x is equal to y. तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या प्रूफ करने चाहते थे onto, तो वो प्रूफ हो गया है f is onto. नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन थोड़ा आगे फिर पूछा गया है find the inverse of f. अब हमें क्या करना है f इनवर्स फाइंड करना है. तो हमने पहले अभी एग्जांपल 1 पे डिस्कस किए थे हम इनवर्स कैसे निकालते थे. तो हम क्या करेंगे पहले जो हमने रफ वर्क किए थे उसे यहां पर पूरा एग्जैक्टली कॉपी कर लेना है. ठीक वही जो रफ वर्क है उसे यहां पर एग्जैक्टली कॉपी कर लीजिए. तो जो मिलेगा हमें फाइनली x मिलेगा 4y - 3y. ठीक आप ये आसानी से कर सकते हो. ठीक तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा जो भी x आया है मैंने क्या बोला था जो भी x आएगा उसे आप क्या ले लीजिए उसे g ले लीजिए g of y that is 4y - 3y. नेक्स्ट फिर हम क्या शो करेंगे g o f of x निकालने पर x आना चाहिए और f o g of x निकालने पर भी x आना चाहिए. अगर दोनों केस में x आता है तो ये g जो हमारा है वही हमारा f इनवर्स कहलाएगा. ठीक तो चलिए अब हम g o f of x x निकालते हैं. सो g o f of x मींस दिस इज g of f x. सो g of f x एंड व्हाट इज आवर f x. f x इज आवर 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 4 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 4. ठीक अब निकालते हैं 4 ये निकालते हैं इसे मैं इरेज कर लेता हूं आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपको चाहिए यहां से. फिर देखिए g 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 4 सो g ऑफ y के प्लेस में इसे पुट करेंगे 4 इनटू 4x प्लस 3 बाय 3x प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इनटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4. ठीक अब इसे एलसीएम लेते हैं क्या आता है देखते हैं 4 इंटू ऊपर आएगा 4x प्लस 3 फिर उस तरफ आएगा माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4. ठीक दोनों का तो एलसीएम 3x प्लस 4 है तो वो कट जाएगा तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ नीचे वाला जो टर्म आएगा 4 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4x प्लस 3. ठीक आप देखते हैं फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए क्या आता है देखते हैं 4 इंटू 4 दिस इज 16x प्लस 12 माइनस 9x माइनस 12. फिर नीचे क्या आ गया हमारा 12x प्लस 16 माइनस 12x माइनस 9. ठीक अब देखिए यहां पर प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल माइनस 12x प्लस 12x कैंसिल 16x माइनस 9x दिस इज 7x एंड 16 माइनस 9 दिस इज 7. सो 7 7 कैंसिल वी हैव आवर x. सो g o f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया हमारा x आ गया. ठीक उसी तरीके से आप खुद ही निकालो f o g ऑफ x अगर निकालोगे x आएगा वो मैं छोड़ दे रहा हूं आप खुद ही निकालो. तो ये दोनों आने से हम क्या लिख सकते हैं f ही हमारा g ही हमारा क्या है f इनवर्स. ठीक तो वही हमारे पूछा गया था यहाँ पर फाइंड f इनवर्स और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ही हमारा g है. सो f इनवर्स x हम कितना लिखेंगे 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x. ठीक आप सभी लोग आसानी से ये चीज निकाल पाओगे. ठीक प्रोसेस आपको याद रखना है जब भी हम इनवर्स निकालेंगे उसका स्टेप क्या है जो आपने रफ वर्क किए थे उसे यहाँ कॉपी कर लाना है. एग्जैक्टली जो जो लिखे थे वहां पर उसे आपको कॉपी कर लेना है. उसके बाद फिर क्या करेंगे जो x हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y आया होगा उसे हम g ले लेंगे. फिर क्या शो करेंगे g o f of x is equal to x and f o g of x is equal to x. तो ये दोनों अगर x आए तो हम वहां क्या कह सकते हैं
वही जो जी आया, जी हमने लिए थे, वही हमारा एप इनवर्स है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा हमारा और दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एप इनवर्स जीरो, ये तो आप आसानी से निकाल पाओगे क्योंकि हमारे पास तो एप इनवर्स है, एप इनवर्स एक्स है, तो एप इनवर्स एक्स अगर है तो हम एप इनवर्स जीरो आराम से निकाल पाएंगे। कितना होगा, 4 इंटू जीरो माइनस 3 बाय 4 माइनस 3 इंटू जीरो, सो आवर आंसर इज माइनस 3 बाय 4। ठीक, ये हमारा निकल गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि फाइंड x such that f inverse x equal to 2, f inverse x equal to 2, that means f inverse इधर से इधर डिफाइन होता है, सो हमें क्या दिया गया है, यहां पर जो एलिमेंट आएगा ये f inverse कहां से कहां डिफाइन होता है, रिवर्स। ठीक, ये हमारा f inverse होता है रिवर्स, तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो f inverse ऐसे आएगा, क्योंकि यहां पर अगर x लें तो यहां पर यहां का एलिमेंट कैसे दिखेगा, f inverse x, क्योंकि वहां पर यहां पर f inverse act होगा उसके ऊपर। ठीक, तो यहां पर क्या दिया गया है, पूछा गया है वही x ढूंढिए जो कि f inverse x निकालने पर 2 मिले। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसे। तो हमारे पास f inverse x is equal to कितना गिवन है, 2, हमें x ढूंढना है। f inverse x हमारे था कितना, 4x minus 3 by 4 minus 3x equal to 2। अब इसे थोड़ा अलजेब्रा करते हैं और इसे इनमें इससे x निकालेंगे। ठीक, बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल पाओगे। देखिए 4x minus 3, फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 8 minus 6x। तो अब क्या मिल गया हमें, हमें x ढूंढना था, minus 6x को इधर ले आइए, सो minus 6x, यहाँ पर पहले से 4x है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10x, और माइनस 3 को उधर ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 8 प्लस 3 दैट इज 11। सो यहाँ पर फाइनली हमें x मिल गया जो कि है कितना, 11 बाय। ठीक, तो यही x है जो कि f इनवर्स x निकालने पर क्या आंसर देगा, 2 देगा। ठीक, तो यही यहाँ पर वही ये एलिमेंट कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर ये 2 रहेगा और यहाँ पर 11 बाय 10, क्योंकि f इनवर्स x इज इक्वल टू 2, f इनवर्स x, दिस x इक्वल टू 2 निकला है। ठीक, तो फिर चलिए और कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं, जो कि आपके बुक का ये एग्जाम्पल 25 दिया गया है इसे। तो देखिए क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, f and to r is a function defined by fx is equal to 4x square plus 12x plus 15. फिर so that f from n to s, natural number to s, where s is the range of f, each invertible, हमें इस f n to s जो define हुआ है उसे हमें क्या शो करना है, invertible शो करना है। और फिर पूछा गया है find the inverse of f, तो invertible के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, पहले हम शो करेंगे व्हाट इज 1-1 फंक्शन, फिर उसके बाद क्या शो करेंगे, ऑन टू फंक्शन। सो 1-1 के लिए मैं फिर से क्या लूंगा, स्टार्टिंग से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 मैंने लिख लिया है 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15, उस तरीके से 4x2 स्क्वायर 12x2 प्लस 15, फिर दोनों साइड से 15 15 आप कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 4x1 स्क्वायर, मैंने 4x2 और 12x2 को इस साइड ले लिया है तो 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर देन प्लस 12x1 माइनस 12x2। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और इसमें से बाद में कॉमन लेंगे, फिर यहां से पहले 4 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, फिर वहां से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आने से क्या मिलेगा, x1 माइनस x2। अब देखिए ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 इनटू x1 माइनस x2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस b इनटू a माइनस b। फिर हम अब देखते हैं इन दोनों में से दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4 इनटू x1 माइनस x2, दिख रहा है आप सभी लोगों को, 4 इनटू
एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन है, तो अगर उसे कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, फिर ये मिलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू, और यहाँ पर ये 12 के जगह पर मिलेगा 3, ठीक, इक्वल टू 0। फिर देखिए 4 तो उस साइड जाकर 0 हो जाएगा, वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है एक्स वन माइनस एक्स टू इज इन टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू 0। 4 उस साइड जाकर वो 0 हो गया है, डिवाइड हो गया 0 के नीचे। नेक्स्ट मैंने लिखा हूँ एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब देखते हैं ये कैसे मैंने लिखा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री 0 कब होगा वो देखेंगे पहले। सो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये 0 कब होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये 0 कब होगा, अगर एक्स वन प्लस एक्स टू हमें क्या मिल जाए, माइनस थ्री मिले। बट देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू कभी भी माइनस थ्री नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो कहाँ से डिफाइन हुआ है, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर जो हमने एक्स वन एक्स टू यूज किए हैं वो सारे कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो कभी भी दो नेचुरल नंबर को अगर एड करें तो कभी भी माइनस थ्री नहीं मिल सकता, तो इसलिए एक्स वन प्लस एक्स टू कभी भी माइनस थ्री नहीं हो सकता, ये दिस इज नेवर बी इक्वल टू माइनस थ्री। सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। सो ये अगर 0 नहीं है तो आपको पता है a इंटू बी इक्वल टू 0, वेर अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 देन दैट इम्प्लाइज a मस्ट बी 0। सो हमें वहां से क्या मिल गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब आते हैं ऑन टू पर, यहाँ पर देखिए हमें ऑन टू शो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जब ऑन टू का डेफिनेशन हम पढ़े थे वहां पर मैंने एक नोट बोला था, अगर एक फंक्शन f x से y तक डिफाइन हुआ है और रेंज ऑफ f इक्वल टू होल y सेट है तो ये ऑटोमेटिकली एक ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फंक्शन है वो f n से कहाँ तक डिफाइन हुआ है, सेट s तक, और वो s हमारा क्या है, रेंज ऑफ f है, वही s ही हमारा क्या है, दिस रेंज ऑफ f इक्वल टू s, f n से s तक डिफाइन हुआ है, और फिर हमें पता है कि रेंज ऑफ f इक्वल टू s, मतलब यहीं से ही हमें पता लग रहा है कि ये फंक्शन ऑब्वियसली ऑन टू है, ऑन टू हमें शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एज रेंज ऑफ f इक्वल टू s सो f इज ऑन टू, ठीक। तो यहां से हमें हमारा कौन सा वाला भी प्रूफ हो गया, f इज इनवर्टिबल प्रूफ हो गया, क्योंकि पहले हमें वही शो करना था f इज इनवर्टिबल, वन वन दिखाया और ऑन टू हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पर रेंज f इज इक्वल टू s, वही हमने नोट में लिखा था जब हम ऑन टू फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक। अब चलते हैं आगे, फिर पूछा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f के लिए वही जो रॉफ वार करते थे उसे करना पड़ेगा, यहाँ तो हमें रॉफ वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो हम यहाँ डायरेक्टली रॉफ वार करते हैं जो किस क्या निकालने के लिए, f इनवर्स। तो चलिए करते हैं वो, तो नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू मैं y लिखता हूँ, f ऑफ x हमारा क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू y। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसे x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, ठीक, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। तो चलिए कैसे x को इन टर्म्स ऑफ y लिखें, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, देखिए 4x स्क्वायर को यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन पे कर रहे थे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना बहुत ही आसान था, बट यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला ट्रिक देखिए ध्यान दे के, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। यहाँ पर देखिए जो x स्क्वायर वाला टर्म है, जो x स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे कौन सा वाला सिंबल है, प्लस, फिर x वाला टर्म के आगे कौन सा वाला सिंबल है, प्लस,
तो आपको यहां पर क्या करना है, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे। मैं लिखता हूं 4x स्क्वायर को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, एंड 12x को लिख सकता हूं 2 into 2x, मतलब ये समझ ले दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज 2a, 2 into 2x इज 4x। अब 4x into कितना करेंगे तो 12x मिलेगा, 4x into आप कितना करोगे तो 12x मिलेगा, 4x into अगर हम कितना करें 3, 2 into 2x into 3, this result is 12x। अब देखिए this is a square और मैंने इसे 2ab बना लिया है, अब मुझे क्या चाहिए, b square चाहिए, b हमारा क्या है 3, so b square मतलब 3 का square, that is 9। तो मैंने क्या किया, यहां से 15 से 9 जरूरत था, वो मैंने 15 से ले लिया है 9 लेने के बाद अब हमारे पास क्या बचा है 6, 15 से अगर 9 सबस्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 बचेगा। फिर इसे y लिख लेते हैं, फिर ये हमारा क्या हो गया 2x plus 3 का होल स्क्वायर, और फिर वो क्या बच गया है 6 equal to y। This implies 2x plus 3 का होल स्क्वायर equal to y minus 6, ठीक। This implies 2x plus 3 is equal to y minus 6 का रूट ओवर, ठीक। This implies 2x is equal to y minus 6 का रूट ओवर minus 3, ठीक। This implies x is equal to y minus 6 का रूट ओवर minus 3 divided by 2, ठीक। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों यूज नहीं किया, मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं यूज किया हूं यहाँ पर क्योंकि ये जो x होगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर ओनली x लिखा, प्लस माइनस नहीं यूज कर ओनली प्लस ही साइन यूज किया है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ये हमें अगर यहाँ पर ये रेंज नहीं दिया होता तो ये सब जो कैलकुलेशन मैंने किया है इसे हम रफ वर्क में करते, ठीक। बट यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर तो हमारा रेंज ऑफ एफ डायरेक्टली एस दिया था इसलिए हमें ऑन टू पर वही रफ वर्क स्टेप करना नहीं पड़ा, ठीक। अब आपको एक ही मैं चीज यहाँ पर करूंगा और एक आप खुद ही कीजिए, जो कि है फिर यहाँ पर पूछा गया है फाइंड हम ये क्या कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ एफ फाइंड कर रहे हैं। तो इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करने का ट्रिक क्या था, जो हमारा एक्स आया है उसे हम क्या ले लेते थे, जी ले लेते, लेट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स रूट ओवर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट हम क्या निकालते थे, जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक। दो पहले दो एग्जाम्पल में हमने किए थे ये सब, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज जी ऑफ एफ एक्स, सो जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ व्हाट इज एफ एक्स आवर, what is fx, that is 4x square plus 12x plus 15, ठीक। this is our fx, ठीक। अब देखिए इसे हम यहाँ पर put करना है तो चलिए यहाँ पर put करते हैं, और ये अगर आपको एक हाँ चलिए put करते हैं उसके बाद देखेंगे। तो y के प्लेस में मैं क्या put करूंगा, अब 4x square plus 12x plus 15, चलिए put करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर 4x square plus 12x plus 15 minus 6 का root over minus 3 divided by 2, ठीक। तो ये क्या मिला हमें, फिर से ये मिला 4x square plus 12x plus 9 का root over minus 3 divided by 2, और आपको पता है ये जो चीज है ये किसका रिजल्ट है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 4x plus 12x plus 9, देखिए वहां पर भी हमने किए हैं वो 2x square 2 into 2x into 3 plus 9, that is our 2x plus 3 का whole square, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x plus 3 का whole square, ठीक, minus 3 by 2, so अगर हम square root निकाल लें तो हमें मिलेगा 2x plus 3 minus 3 divided by 2, 3 कैंसिल 2 कैंसिल, सो आवर रिजल्ट इज x। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, जीओ एफ ऑफ x, वो कितना आया x आया, आप खुद ही निकालो एफ ओ जी ऑफ x भी हमारा x आएगा, ठीक। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे
जो कि है कुछ थ्योरम्स इस टॉपिक के ऊपर है, वही रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। आप ये एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोग खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, जो कि हमारा 1.3 एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का। तो अगर वहाँ पर कहीं भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं फिर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।